अमेरिकी संसद की शर्मनाक तस्वीरें दुनिया के इस महान लोकतंत्र को नीचा दिखाने के लिए काफी है। जंग के मैदान की तरह दिख रही अमेरिकी संसद 4 घंटे के लिए उत्पातियों की बंधक बन गई। हार को हजम नहीं कर पा रहे ट्रंप के समर्थकों ने सीधे संसद पर चढ़ाई कर दी। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की दरो दीवार को दागदार करने की इस घटना के बाद जब ट्रंप कुछ घंटों के भीतर हर तरफ से घिर गए, दुनिया भर में विरोध और निंदा हुई, तो अड़ियल ट्रंप के टकराव वाले तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने जो बाइडेन को नया राष्ट्रपति भी माना और हिंसा की निंदा भी उनको करनी पड़ी। America is and must always be a nation of law and order. To those who engage in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. हिंसा पर हर तरफ से लानत मलानत के बाद ट्रंप को घुटने तो टेकने ही पड़े, लेकिन जरा उनके हिंसा के पहले और बाद के दो बयान देखिए। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel, but go home and go home in peace. ट्रंप को घुटने टेकने पड़े तो आखिरकार क्यों? इसकी वजह है महाभियोग की आशंका, जिसकी पुरजोर मांग उठ रही है। सत्ता में उनके 14 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही उनको दफ्तर से बाहर करने के लिए महाअभियोग की मांग तेज हो गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी और सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने महाअभियोग के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस से पुरजोर मांग की। पेलोसी ने कहा कि पेंस अगर महाअभियोग की कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो सदन की बैठक बुलाएंगी और महाअभियोग की कार्रवाई शुरू कर देंगी। डेमोक्रेट सीनेटर्स डोनाल्ड बेयर और अलेक्जेंड्रिया कॉटेज ने भी महाअभियोग की मांग की है। ट्रंप को उनके अपनों ने भी घेरा है। ट्रंप की पार्टी के भी कई सदस्य उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके प्रशासन के कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। चारों तरफ से घिरे